पीलीभीत में भागीदारी आंदोलन मंच द्वारा अति पिछड़ा अति दलित कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा वोट के समय पिछड़ों की बात करती है और जब सीएम की बात आती है तो स्वर्णों को बनाती है। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा अधिकतर राज्यों में राजपूत या ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा 6-6 माह मुख्यमंत्री सभी वर्गों का बनाया जाए, इसके साथ अति दलितों अति पिछड़ों को जब तक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक वह भाजपा की सरकार का विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि पिछड़ी जाति के आरक्षण के बंटवारे में 3 कैटेगरी लागू हो। साथ ही कहा कि संविधान में 4 जातियां हैं लेकिन 2 जातियों के बेटे बेटियों को फ्री पढ़ाई लिखाई कराई जा रही है। उनकी मांग है कि पिछड़ी जाति व सामान्य लोगों के बच्चों को भी फ्री पढ़ाई का अधिकार मिले। इसके साथ ही राजभर ने कहा कि सरकार पिछड़ी जातियों के लोगों से सौतेला व्यवहार कर रही है। राजभर ने लखनऊ में हुए विवेक तिवारी हत्याकांड का हवाला देते हुए कहा कि ब्राह्मण की मौत की कीमत 25,60,000 की नौकरी है, जबकि पिछड़ी जाति के लोगों की मौत की कीमत कुछ नहीं। योगी जी को हटाकर हम तो चाहते हैं 6-6 महीना हर जाति को मुख्यमंत्री अब बनाया जाए, तब गरीबों का कल्याण होगा। हम अमित शाह के यहाँ करीब हो गया 12 महीने से प्रस्ताव रखते हैं। आप भी उम्मीदवार हैं उसमें सीएम के, उसमें क्या आपको मौका मिलेगा तो आप छोड़ेंगे कहा? मंत्री जी, जैसे अगला लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप लगातार विरोध कर रहे हैं भाजपा का, तो क्या लोकसभा चुनाव में आप अलग चुनाव लड़ेंगे भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ेंगे? 27 तारीख को बताएंगे, 27 अक्टूबर को रमाबाई अम्बेडकर मैदान में अपने जज मालिकों को इकट्ठा कर रहा हूँ, उनसे राय मशविरा करूंगा, वो जैसा डिसीजन लेंगे वैसा करूंगा। हो जाए मंत्री जी, विरोध की लड़ाई कब तक चलती रहेगी सरकार? जब तक अति पिछड़ों व अति दलितों को अधिकार की बात नहीं शुरू हो जाएगी तब तक ये चलती रहेगी। इस तरीके की बात आप चाहते हो या आप मुख्यमंत्री? हम पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में बंटवारा चाहते हैं, 3 कैटेगरी बनाना चाहते हैं। हम प्राथमिक विद्यालय में 3,18,000 जो पद खाली है उसकी नियुक्ति चाहते हैं ताकि वहाँ पढ़ाई हो, वहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। हम प्रदेश में संविधान में 4 जाति है, 2 जातियों के बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की व्यवस्था है। 2 जातियाँ बची हैं, पिछड़ी जात और सामान्य जात, इन दोनों जातियों के भी बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की कोचिंग खुलना चाहिए। इस बात को लेकर हम सरकार से नाराज हैं और हमारी कोई नाराजगी नहीं, हम कोई ठीका पट्टा नहीं मांगते, हम कोई टेंडर नहीं मांग रहे हैं, हम पिछड़े दलित गरीब कमजोर की बात करते हैं। हम इनके आवास, जो आज भी पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास नहीं मिल रहा है, जो आज भी राशन कार्ड के वास्तव में पात्र हैं आज भी बेचारे का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, अधिकारी जो रिपोर्ट दे दे रहे हैं उसी को सरकार मान ले रही है, धरातल पे क्रियान्वयन में उतर नहीं रही है, हम इसी बात को लेकर तो लड़ रहे हैं। भाजपा ने पिछड़ा